भारत का बहुत ही अच्छा सा नक्शा बना हुआ है देखिए। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है हैदराबाद स्थित हुसैन सागर लेक का। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाने वाले हैं कि वहाँ क्या कुछ देखने को मिलता है। चलिए अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे जो दिख रहा है रोड के उस पार में वही है लेक। तो चलिए रोड के उस पार जाते हैं और आपको दिखाते हैं अच्छे से कि किस तरीके से दिखता है हुसैन सागर लेक जो कि हैदराबाद में स्थित है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ी सी लेक है ये, पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हवा की सरसराहट आ रही होगी वीडियो में। और इस ओर है हाईवे रोड पोर्टलैंड। और इस ओर है कोई महाराजा जी की प्रतिमा स्थापित। तो ये देख सकते हैं कुछ कुछ लिखा हुआ है, तमिल है कि तेलुगु है नहीं पता। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा झील के सामने। चलने के लिए इसका फुटपाथ बनाया गया है और इस ओर दिखेगा आपको शहर के दूसरे ओर के खूबसूरत नज़ारे। देखिए भारत का बहुत ही अच्छा सा नक्शा बना हुआ है देखिए ज़मीन में कलाकृति करके। और पीछे साइड ये स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा। और इधर है कुछ बच्चों को घूमने खेलने के लिए पार्किंग टाइप का। स्वामी विवेकानंद जी की एक बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे। इस सागर में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है देखिए। मस्त हुसैन सागर के लिए लिखा हुआ है किताब जैसा, पूरा किताब ही समझ लेंगे, पेज जैसा यहाँ दिख रहा है यदि है नहीं यहाँ रखा हुआ। तो बुद्ध की जो स्टैचू है उसके बारे में कुछ चीज़ लिखा हुआ है, उसको बाद में पढ़ लूँगा। और ये रहा बुद्ध की प्रतिमा। सामने से देख सकते हैं यही है बुद्ध की स्टैचू। यहाँ देख सकते हैं गाइस कितने सारे कबूतर हैं। सो देखिए यहाँ सुबह में जब मॉर्निंग वॉक में आते हैं तो सब यहाँ पे इन कबूतरों को दाना डालते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। देखिए ये रास्ते में पड़ता था, ये छोटा सा एक वीडियो था। चलिए बने रहिए हमारे साथ, अब मिलते हैं आपको मंदिर में जाके।